असलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ किरण रहमान। कैसे हैं आप सब लोग फ्रेंड्स? आज मैं बना रही हूँ भिंडी। भिंडी मैंने पहले से ही कट करके रख दी इस साइज में, ठीक है। उसके बाद हमने पैन में डाला ऑयल, ऑयल हमारा गर्म हो गया, ये मैंने इसमें डाल दी भिंडी फ्राई करने के लिए। मेरा तो दिल था कि आज भिंडी गोश्त बनाऊँ, लेकिन मेरे हस्बैंड ने मना कर दिया, बोले नहीं जी आज आपने सिर्फ भिंडी बनानी है, सिर्फ भिंडी, कोई गोश्त चिकन वगैरह इसमें कुछ भी नहीं ऐड करना, जस्ट भिंडी बना के दी। उनको भिंडी बहुत पसंद है, मैंने कहा चले आज उनके लिए भिंडी बना लेते हैं। ये देखते हैं भिंडी को हम अच्छे से फ्राई करेंगे। बच्चे तो भिंडी खाते नहीं है, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, मेरे बच्चों की जरा सब्जी से नहीं लगती, बिल्कुल भी नहीं खाते। उनके लिए मैं अभी शाही कबाब बनाऊंगी, उसकी वीडियो भी मैं आपको अपने चैनल में सेंड कर दूंगी, आप लोग जरा देख लीजिएगा। शाही कबाब की वीडियो भी आपको मेरी दूसरी वीडियो में मिल जाएगी, तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। भिंडी को अच्छे से फ्राई कर लें, भिंडी हमारी फ्राई हो रही है। अब इसमें मैं डालूंगी 2 अदद कटी हुई प्याज, प्याज को हम भिंडी के साथ ही फ्राई कर लेंगे। या देखिए जैसे ही हमारी भिंडी फ्राई होगी, साथ इसके प्याज भी फ्राई हो जाएंगे। प्याज हम इसलिए फ्राई कर रहे हैं भिंडी के साथ, क्योंकि अलग से प्याज को फ्राई करेंगे फिर आपको एक अलग से बर्तन लेना पड़ेगा। तो ईजी रेसिपी है, होटल ट्राई भिंडी बनी थी बड़ी जबरदस्त, तो भिंडी को भी फ्राई कुछ लोग नहीं करते, ऐसे कच्ची भिंडी डालते हैं। फ्राई करने से क्या होता है कि इसका जरा लेस पान खत्म हो जाता है भिंडी का, जो हम लोग कच्ची भिंडी बनाते हैं उसमें जो लेस आता है, तो फ्राई करने से लेस खत्म हो जाता है। तो इसलिए मैं तो जब भी भिंडी बनाती हूँ मैं इसको फ्राई जरूर करती हूँ, बहुत ज़बरदस्त बनती है, आप लोग फ्राई कीजिएगा जरूर। ये देखिए जी बहुत अच्छे से प्याज भिंडी के साथ फ्राई हो गए हैं, ये चेक कर लें आप लोग, बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है भिंडी की। ये देखिए इसमें हम ऐड कर रही हूँ जीरा, जीरा भी प्याज के थोड़ी देर बाद जैसे प्याज थोड़े से नरम हो जाए तो आप इसमें जीरा ऐड कर दीजिएगा, क्योंकि जीरा भी प्याज के साथ ही थोड़ा सा भुन जाएगा और बहुत ज़बरदस्त की खुशबू आएगी इसमें। इसमें मैं ऐड कर दूँगी ये लाल वाली मिर्चें, ये भी इसके साथ थोड़ी देर आप फ्राई करेंगे, ठीक है। बहुत अच्छी सी जीरे के साथ ही आप बेशक इसको डाल सकते हैं, ये देखिए और साथ ही फ्राई कर लें। अब इसमें मैं आपको मसाले बता देती हूँ, ये देख लें, नमक, मिर्च, कुटी हुई मिर्च है, हल्दी और सूखा धनिया, ये अब आप इसमें ऐड कर दें। मसालों के साथ भिंडी को अच्छे से भून लें, मसालों का कच्चापन खत्म हो जाएगा। मसाला बहुत अच्छे से इसके अंदर भून चुका है, थोड़ी देर मसाला भूनना है क्योंकि मसाले के ना कच्चापन नहीं रहेगा, खास तौर पर मिर्चों का, सूखे धनिया का, हल्का सा भून के अब आपने इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। मैंने टमाटर ग्राइंड करके डाले हैं, आपकी अपनी चॉइस है, आप लोग टमाटर को बाद छोटा छोटा सा कट करके चॉप करके भी डाल सकते हैं, ठीक है। टमाटर के पेस्ट में आपने इसको तेज आँच पे रखना है, ठीक है, क्योंकि टमाटर के अंदर पानी होता है, टमाटर का पेस्ट हम बनाएंगे बहुत ज़्यादा पानी हो जाएगा, तो आपने इसकी आँच हल्की नहीं करनी, क्योंकि भिंडी ऑलरेडी पहले से फ्राई हुई है, गली हुई है, तो आपने जो पेस्ट डालना है तो पेस्ट को तेज़ आँच पे बस आपने भून लेना है, तो टमाटर का पानी ड्राई हो जाएगा, ठीक है। फिर जैसे ही पानी ड्राई हो जाएगा हमें लगेगा कि भिंडी ने ऑयल छोड़ दिया साइडों पर आ गए, फिर हम सिर्फ इसको 1 मिनट का दम देंगे, ठीक है। वैसे तो इसमें मैं कैरी भी डालती हूँ, कैरी का सीजन नहीं है, शॉप से कैरी नहीं है बिल्कुल भी, और कैरी हो तो कोई इशू नहीं है, आप लोग अचार भी डाल सकते हैं, तो आप दम पे डालिएगा, पहले आप नहीं डालिएगा चार, तो भिंडी को काला कर देगा, ठीक है। तो आप भिंडी बिल्कुल जब आपकी रेडी हो जाए, बिल्कुल जब आप उसको एंड में 1 मिनट का दम देंगे ना, उस टाइम पर आप इसको अचार में से कैरी निकाल के इसमें डाल दीजिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इससे। आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे पेज को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब कीजिएगा, ऐसी बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगी, तो आप पेज को, चैनल को लाइक जरूर कर दीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। अब हमारी भिंडी का पानी देखने बिल्कुल ड्राई हो गया, ये देखने की ऑयल आना शुरू हो गया, ये आपको नज़र आ रही है चक्कर, ठीक है। तो अब मैं इसको 1-2 मिनट का दम दूँगी, उसमें मैं इसमें डाल दूँगी अचार, ठीक है, कैरी का अचार, ये मैं इसको डालती हूँ, तो 2 मिनट के लिए दम पर रख दूँगी। ये चक्कर में जी भिंडी हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है, बिल्कुल रेडी है, आप ये देख लें बहुत ही ज़बरदस्त सी, ये ऑयल देखिए साइड पे आ गया सारा, और बहुत ज़बरदस्त सी होटल टाइप भिंडी हमारी रेडी है। आप मेरे चैनल को लाइक और फॉलो जरूर कीजिएगा, और कमेंट्स में बताइएगा ट्राई करके कि आपको ये भिंडी कैसी लगी, ठीक है, कमेंट्स में बताइएगा, आप लोग बनाइएगा फिर ट्राई करके बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।